दोस्तों अगर अभी तक आपने सरकटा एंड ब्रदर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, वरना आपको यह स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में आपने देखा था गुल्ली बुल्ली जिस हेलीकॉप्टर से जा रहे थे वह हेलीकॉप्टर का एक इंजन खराब हो जाता है और हेलीकॉप्टर का पायलट हेलीकॉप्टर को एक घर के पास रोक देता है जो कि जंगलों के बीच में था, और वहां आने के बाद अचानक से गुल्ली गायब हो जाता है। गुल्ली ये सब देखकर काफी डर जाता है और तभी बुल्ली को सरकटा दिखाई देता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। सरकटा के उधर जाने के बाद बुल्ली सरकटा का पीछा करता है। बुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गुल्ली किधर चला गया, कहीं सरकटा गुल्ली को लेकर चला तो नहीं गया। अगर ऐसा हुआ होगा तो सरकटा गुल्ली को मार डालेगा, पता नहीं अब क्या होगा। घर के दूसरी तरफ आते ही बुल्ली अपने सामने देखता है और बुल्ली को जो दिखाई देता है उसे देखकर बुल्ली और भी ज्यादा डर जाता है। बुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सरकटा घर के पीछे क्यों जा रहा है, कहीं गुल्ली को लेकर वो घर के पीछे तो नहीं चला गया। लेकिन सरकटा के हाथ में गुल्ली तो है ही नहीं, तो फिर गुल्ली कहाँ जा सकता है। बुल्ली का डर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि बुल्ली यहाँ पर अकेला पड़ चुका है। और फिर बुल्ली इधर उधर देखने लग जाता है कि आसपास गुल्ली है या नहीं, लेकिन इसे कहीं पर भी कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन तभी अचानक से ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं और बुल्ली ऊपर देखने लग जाता है। अरे ये क्या, ऊपर तो गुल्ली है और गुल्ली बुल्ली को बुला रहा है। गुल्ली को सही सलामत देखकर बुल्ली काफी खुश हो जाता है और बुल्ली ये सोच रहा होता है कि गुल्ली आखिर ऊपर जाकर हंस क्यों रहा है। और फिर बुल्ली कहता है कि अरे पागल, तुम हंसने में क्यों लगे हो, तुम्हें पता है कि हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, यहाँ पर सरकटा है और तुम सरकटे की डर की वजह से ऊपर क्यों चले गए। अगर सरकटा मुझे काट देता तो पता नहीं मेरा क्या होता, लेकिन सरकटे की बात छोड़ो, उधर साइड में एक लेदर फेस वाला आदमी बैठा हुआ है जो कि पायलट को मार चुका है और पायलट मरा पड़ा है, पता नहीं क्या होगा। बुल्ली की ये बात सुनते ही गुल्ली कहता है कि वो सब छोड़ो बुल्ली, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं जैसे ही ऊपर आया था तो मैंने सबसे पहले पायलट की तरफ जाकर देखा और मैंने भी देखा कि पायलट मरा हुआ है और उसके बगल में एक लेदर फेस वाला आदमी बैठा हुआ है और वो पायलट को देखने में लगा हुआ था, और सरकटे के डर की वजह से मैं नीचे ही नहीं जा रहा हूँ। और गुल्ली ये भी कहता है कि वो सब छोड़ो बुल्ली, तुम सबसे पहले ऊपर आ जाओ वरना सरकटा आ जाएगा। गुल्ली के मुंह से सरकटे का नाम सुनते ही बुल्ली काफी डर जाता है और फिर बुल्ली ये फैसला करता है कि वो भी गुल्ली के पास जाएगा, कहीं बुल्ली के पास सरकटा ना आ जाए। ये सब सोच कर बुल्ली काफी डर रहा था और बुल्ली काफी तेजी से चल रहा था ताकि वो जल्दी से ऊपर पहुंच जाए, और सीढ़ियों पे बुल्ली काफी तेजी से चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ते ही बुल्ली कहता है कि गुल्ली हम लोगों को कुछ करना चाहिए, हम लोग ज्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि सरकटा कभी भी यहाँ आ सकता है। ये बात सुनते ही गुल्ली कहता है अरे बुल्ली तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है कि हम लोगों को क्या करना है। सरकटा जब सीढ़ियों की मदद से ऊपर आने लगेगा तो हम लोग लात मारकर सीढ़ी को नीचे गिरा देंगे ताकि सरकटा भी नीचे गिर जाए। और गुल्ली ये भी कहता है कि बुल्ली मैं तो ये सोचने में लगा हुआ हूँ कि सरकटा को पता कैसे चलेगा कि हम लोग ऊपर हैं क्योंकि उसका तो सर ही नहीं है। लेकिन सरकटे की बात छोड़ो, लेदर फेस तो यहाँ आ ही सकता है ना। गुल्ली की ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है कि अरे वो सब छोड़ो, सामने चलो और हम लोग पायलट की तरफ देखते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर गुल्ली बुल्ली आगे जाने का फैसला करते हैं। गुल्ली बुल्ली को ये देखना है कि आखिर पायलट के साथ वो लेदर फेस वाला इंसान क्या करने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने के बाद गुल्ली बुल्ली को वो पायलट दिखाई देता है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं दिखाई देता है। गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफी चौंक जाते हैं कि आखिर लेदर फेस वाला इंसान किधर चला गया। तभी बुल्ली कहता है कि अरे गुल्ली ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो आदमी यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे पीछे आ रहा है, अगर ऐसा हुआ होगा तो हम लोग बचेंगे नहीं, और वैसे भी सरकटा भी नीचे ही घूम रहा है, अगर हम लोग यहाँ से नीचे उतरेंगे तो पता नहीं हम लोगों का क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग क्या करें, तुम ही कुछ बताओ। बुल्ली की ये बात सुनते ही गुल्ली कहता है अरे बुल्ली हम लोगों को यहाँ ऊपर नहीं रहना चाहिए क्योंकि नीचे से कोई भी ऊपर देख सकता है, इसलिए हम लोगों को नीचे जाकर कहीं छिप जाना चाहिए। ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है तो फिर चलो हम लोग नीचे जाकर कहीं छिप जाते हैं। अरे वो देखो गुल्ली, अभी तक तो पायलट जिंदा है। दरअसल बुल्ली ने देखा कि पायलट तो हिल रहा है, यानी कि पायलट अभी तक जिंदा है, वो अभी तक मरा नहीं है। गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफी खुश हो जाते हैं कि चलो पायलट मरा नहीं है। तभी पायलट काफी जोर जोर से हिलने लग जाता है, ऐसा लग रहा था कि पायलट गुल्ली बुल्ली से कुछ कहना चाहता है। और फिर थोड़ी ही देर में पायलट कुछ कहने लग जाता है। पायलट कहता है अरे गुल्ली बुल्ली वो लेदर फेस वाला इंसान इस गुफा के अंदर गया है, मैंने उसे जाते हुए देखा था, तुम लोग यहाँ से निकल लो वरना वो तुम लोगों को भी मार डालेगा। और पायलट ये भी कहता है कि अभी हेलीकॉप्टर का एक इंजन अच्छा है, तुम लोग यहाँ से थोड़ी दूर कहीं और निकल जाओ। इतना कहने के बाद पायलट अचानक से अपना दम तोड़ देता है और वो मर जाता है। गुल्ली बुल्ली को पायलट को मरता हुआ देखकर काफी बुरा लगता है और गुल्ली बुल्ली ये सोच लेते हैं कि वो लोग अब सरकटा को छोड़ेंगे नहीं, उससे वो बदला लेकर रहेंगे। पायलट के मरने के बाद गुल्ली बुल्ली ये सोच लेते हैं कि सरकटा से लड़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि सर कटने के बाद भी वो जिंदा है। यही बात गुल्ली बुल्ली से कहता है कि हम लोगों को यहाँ से निकल लेना चाहिए, हम लोगों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद गुल्ली और बुल्ली वहाँ से जाने लग जाते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो ऊपर से कूद रहे हैं। गुल्ली बुल्ली आज काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन इतना गुस्सा होने के बावजूद भी गुल्ली बुल्ली यहाँ से जा क्यों रहे हैं। दरअसल गुल्ली और बुल्ली ने ये सोच लिया है कि अब इन लोगों को क्या करना है। थोड़ी देर में ये लोग छत के काफी किनारे आकर खड़े हो जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं। इन लोगों को सामने में कहीं पर भी कोई नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कि सामने में सरकटा भी नहीं था और ना ही लेदर फेस था, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। लेकिन आखिर गुल्ली बुल्ली उन दोनों को देखने में क्यों लगे हुए हैं। गुल्ली बुल्ली को तो यहाँ से चुपचाप निकल लेना चाहिए ताकि इन लोगों की जान बच जाए।
गुल्ली बुल्ली ये भी सोच रहे होते हैं कि अगर ये लोग अपने शहर में रहते तो ये बाबा को बुला लेते और बाबा से उन दोनों को मरवा देते, क्योंकि बाबा ही उन दोनों को मार सकते हैं। गुल्ली बुल्ली कहाँ उन लोगों से लड़ पाएंगे क्योंकि उन लोगों के पास काफी ताकत है। थोड़ी देर में गुल्ली और बुल्ली ऊपर से नीचे कूद जाते हैं। नीचे कूदते ही गुल्ली कहता है, चलो बुल्ली अब हम लोग अपने काम में लग जाते हैं और पता है ना तुम्हें कि हम लोगों को क्या करना है, चलो हम लोग अपना काम को पूरा कर लेते हैं। इतना कहने के बाद गुल्ली और बुल्ली आगे बढ़ने लग जाते हैं। पता नहीं ये लोग कौन सा काम करने जा रहे हैं। अरे ये क्या, गुल्ली और बुल्ली तो हेलीकॉप्टर में आकर बैठ चुके हैं। शायद गुल्ली बुल्ली यहाँ से भागने वाले हैं। दरअसल गुल्ली को हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता है, लेकिन बुल्ली को हेलीकॉप्टर चलाना आता है क्योंकि बुल्ली ने किताब में पढ़ा था। और फिर थोड़ी देर में बुल्ली हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके यहाँ से उड़ाने लग जाता है और यहाँ से जाने लग जाता है। पता नहीं ये लोग कहाँ जाने वाले हैं और इन लोगों को ये भी नहीं पता कि हेलीकॉप्टर कितना देर तक चलेगा। गुल्ली और बुल्ली थोड़ी ही ऊपर तक जा पाते हैं कि तभी अचानक से ये लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। और ये लोग जब पीछे देखते हैं तो इन लोगों की हालत ही टाइट हो जाती है क्योंकि पीछे कोई बैठा हुआ था। अरे ये क्या, पीछे तो लेदर फेस बैठा हुआ है। लेदर फेस को देखकर गुल्ली और बुल्ली काफी डर जाते हैं और इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब ये लोग क्या करेंगे। लेकिन बुल्ली इतना ज्यादा डर जाता है कि वो हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे नीचे उतारने लग जाता है क्योंकि बुल्ली को ऐसा लग रहा था कि हेलीकॉप्टर में ही लेदर फेस इन लोगों को मार ना डाले। नीचे उतरते ही लेदर फेस काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब लेदर फेस गुल्ली बुल्ली को मार डालेगा। दरअसल गुल्ली और बुल्ली जिस जगह पर हेलीकॉप्टर को उतारते हैं वो जगह काफी ज्यादा सुनसान था और वहाँ काफी अंधेरा भी था। और फिर थोड़ी देर में गुल्ली और बुल्ली हेलीकॉप्टर से उतर जाते हैं और इधर उधर का एरिया देखने लग जाते हैं कि आसपास का एरिया आखिर है कैसा, कहीं कोई जंगली जानवर तो यहाँ नहीं आ जाएंगे ना। तभी गुल्ली कहता है, अरे बुल्ली हम लोग कहाँ फंस गए, हेलीकॉप्टर में तो लेदर फेस बैठ चुका है, हम लोगों को यहाँ से निकल लेना चाहिए। तभी बुल्ली कहता है, अरे वो सब छोड़ो गुल्ली, सामने देखो, सामने में तो लेदर फेस है ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ चला गया। दरअसल गुल्ली और बुल्ली ने देखा कि हेलीकॉप्टर में तो लेदर फेस बैठा ही नहीं है। तभी बुल्ली कहता है, अरे वो लेदर फेस कहाँ चला गया, वो तो अभी हेलीकॉप्टर में ही बैठा हुआ था, कहीं वो सीट के नीचे तो नहीं घुस गया। लेकिन आखिर वो सीट के नीचे क्यों जाएगा, वो तो हम लोगों को पकड़ने के लिए आया था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि लेदर फेस को मैजिक आता है और वो तुरंत ही गायब हो जाता है और वो तुरंत ही कहीं पर भी आ जाता है। और फिर बुल्ली ये भी कहता है कि चलो गुल्ली हम लोगों को घर के अंदर ही जाकर छिप जाना चाहिए क्योंकि यहाँ रहना सही नहीं है। और इतना कहने के बाद गुल्ली और बुल्ली यहाँ से दौड़ लगा देते हैं और घर की तरफ जाने लग जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली जा ही रहे थे कि तभी अचानक से गुल्ली और बुल्ली को कुछ दिखाई देता है और गुल्ली बुल्ली उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या दिखा होगा गुल्ली और बुल्ली को, लेकिन गुल्ली और बुल्ली को जो भी दिखा होगा वो काफी खतरनाक होगा, तभी तो गुल्ली और बुल्ली डर रहे हैं। ओह माय गॉड, गुल्ली और बुल्ली ने देखा कि सामने में तो सरकटा खड़ा है और उसके हाथ में चैनसो भी है, कहीं गुल्ली बुल्ली को वो चैनसो से ना काट दे, पता नहीं आज क्या होने वाला है। सरकटे को देखकर गुल्ली कहता है, अरे ये सरकटा सामने कैसे आ गया और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर के अंदर तो लेदर फेस बैठा है, हम लोग अब जाए तो जाए किधर, हम लोग तो काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, तुम्हें क्या लगता है बुल्ली हम लोगों को क्या करना चाहिए। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि हम लोग कोई बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं क्योंकि हम लोग सोन के नानी घर जाने वाले थे और जब भी हम लोग सोन के नानी घर जाते हैं किसी न किसी बड़ी मुसीबत में फंस ही जाते हैं। गुल्ली की ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने भी ये नोटिस किया है कि जब भी हम लोग सोन के नानी घर जाते हैं तो हम लोग किसी न किसी बड़ी मुसीबत में फंस ही जाते हैं। याद है ना तुम्हें वो दिन जिस दिन हम लोग बस से जा रहे थे तो हम लोगों का सामना मम्मी से हुआ था। लेकिन वो सब बातें छोड़ो गुल्ली, ये सोचो कि हम लोग यहाँ से कैसे बचे, एक तरफ तो सरकटा खड़ा है और दूसरी तरफ लेदर फेस है। इतना कहने के बाद गुल्ली और बुल्ली सरकटे की तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन तभी अरे ये क्या, लेदर फेस ने तो गुल्ली को मार दिया है। लेदर फेस का लात पड़ते ही गुल्ली जमीन में गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर बुल्ली को काफी गुस्सा आ जाता है और बुल्ली कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की, अगर अभी गुल्ली को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं और वैसे भी हम लोगों के साथ बाबा है। और बुल्ली ये भी कहता है, लेकिन जो भी हो मैं अभी भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतना कहने के बाद बुल्ली अचानक से दौड़ लगा देता है। अरे ये क्या, बुल्ली किधर भागने लग गया, शायद बुल्ली हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर की तरफ क्यों जा रहा है। और फिर थोड़ी देर में सरकटा आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन सरकटा यहाँ से किधर जा रहा है। और इधर बुल्ली हेलीकॉप्टर में आकर बैठ चुका है, कहीं बुल्ली डर तो नहीं गया और कहीं ये गुल्ली को छोड़कर जा तो नहीं रहा है। अरे ये क्या, सरकटा और लेदर फेस बुल्ली की तरफ ही जा रहे हैं, कहीं ये दोनों मिलकर बुल्ली को पकड़ ना ले। लेकिन तभी अचानक से बुल्ली हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर देता है और फिर यहाँ से उड़ जाता है। बुल्ली की जान तो बच ही गई, लेकिन पता नहीं गुल्ली का क्या होगा क्योंकि गुल्ली तो यहीं पर बेहोश पड़ा है और पास में ही सरकटा और लेदर फेस है। जब बुल्ली उड़ जाता है तो सरकटा और लेदर फेस भी वहीं रुक जाते हैं और फिर पीछे मुड़कर गुल्ली की तरफ जाने लग जाते हैं। शायद गुल्ली अब बचेगा नहीं, शायद सरकटा अब गुल्ली को काट डालेगा। और तभी ओ माय गॉड, ये बुल्ली ने क्या कर दिया,
अरे ये क्या, बुली तो पैराशूट से नीचे आ रहा है। यानी कि ये सारा प्लान गुल्ली और बुल्ली का था, और गुल्ली और बुल्ली ने ये पहले ही सोच लिया था कि आगे सरकटा और लेदरफेस को कैसे मारना है। और फिर तभी अचानक से गुल्ली को होश आ जाता है और गुल्ली उठने लग जाता है। गुल्ली को तो पता भी नहीं है कि बुल्ली ने कितना बड़ा काम किया है। गुल्ली जैसे ही उठकर खड़ा होता है तभी उसके सामने बुल्ली आ जाता है, वो भी पैराशूट से। ये देखकर गुल्ली काफी खुश हो जाता है। तभी बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली तुम सोने में लगे हुए थे और मैंने दोनों को मार दिया है। सरकटा और लेदरफेस की अब तो जान ही चली गई, जरा पीछे मुड़कर देखो। गुल्ली जैसे ही पीछे देखता है तो गुल्ली काफी खुश हो जाता है क्योंकि पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो चुका था। और बुल्ली ये भी कहता है कि देखा गुल्ली मैंने क्या किया, मैंने दोनों को ब्लास्ट कर दिया और दोनों की मौत हो गई। बुल्ली की ये बात सुनते ही गुल्ली कहता है, हाँ बुल्ली तुमने काम तो कर दिया लेकिन सारा दिमाग तो मेरा ही था, मैंने ही तुम्हें सारा कुछ बताया था। गुल्ली की ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है, अरे मजाक छोड़ो गुल्ली, जरा ये सोचो कि अब हम लोग इस जंगल से बाहर कैसे निकले, यानी कि हम लोग अपने घर कैसे जाए। अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे ही खड़े रहेंगे तो पता नहीं यहाँ पर और कौन सरकटा आ जाएगा और हम लोगों को काट डालेगा। गुल्ली बुल्ली ये सब बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से एक हेलीकॉप्टर गुल्ली बुल्ली के पास आने लग जाता है। गुल्ली बुल्ली ये हेलीकॉप्टर को देखकर खुश तो हो ही रहे थे लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हेलीकॉप्टर यहाँ क्यों आ रहा है और आखिर इस हेलीकॉप्टर को भेजा किसने और किसे पता चल गया कि हम लोग किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर गुल्ली बुल्ली के काफी करीब आ जाता है। गुल्ली बुल्ली हेलीकॉप्टर को पास देखकर तुरंत ही समझ जाते हैं कि आखिर ये हेलीकॉप्टर को किसने भेजा है। फिर गुल्ली बुल्ली आपस में बात करने लग जाते हैं। गुल्ली कहता है, अरे ये तो हेलीकॉप्टर की टीम है, ये हमें बचाने के लिए यहाँ आई है, चलो हम लोग बच गए। दरअसल जब भी हेलीकॉप्टर पे मुसीबत आती है तो ये टीम तुरंत ही वहाँ पहुँच जाती है ताकि ये लोग पायलट और जो भी आदमी बैठा हुआ उसे बचा पाए। गुल्ली की ये बात सुनते ही गुल्ली कहता है, हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने भी सुना है इस टीम के बारे में, चलो अब चलते हैं घर, हम लोग तो बच ही चुके हैं। इतना कहने के बाद गुल्ली और बुल्ली हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और गुल्ली और बुल्ली काफी खुश हो जाते हैं और इस तरह से गुल्ली और बुल्ली की जान बच जाती है। अब सारा मामला ठीक हो चुका है। सुबह होते ही हेलीकॉप्टर की टीम यहाँ पहुँच जाएगी और टूटा हुआ हेलीकॉप्टर को लेकर और डेड बॉडी को लेकर यहाँ से चली जाएगी। और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के टॉप 10 कमेंट, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें।